नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। यदि आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा बार बार नष्ट हो जाता है या जब भी आपके पास पैसा आता है तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी खुरापात, कुछ ऐसी योजनाएं आती हैं कि वह पैसे को आप खर्च कर देते हैं, कुल मिलाकर के आप पैसे को सेव नहीं कर पाते, तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल है। दोस्तों, जन्म कुंडली में इकट्ठा किए हुए धन के नष्ट होने के धर्मशास्त्रों ने 5 मुख्य कारण बताए हैं। आज की वीडियो में मैं सभी कारणों पर विस्तार से चर्चा करूंगा और अलग अलग 5 उपाय आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में दूसरा भाव सेकंड हाउस धन, वाणी और कुटुंब का होता है। दूसरे भाव के स्वामी के पापक ग्रहों के साथ में जन्म कुंडली में होने पर वह पापक ग्रहों के साथ किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति का पैसा गलत साथ संगति और गलत सलाह के कारण नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग तरह तरह की सलाह देते हैं, तरह तरह के विचार देते हैं और उनकी बातों में आकर के वह इन्वेस्ट करता है, जो करता है, लेकिन पैसा हाथ से निकल जाता है। यदि ऐसी स्थिति है तो आपका जपने का मंत्र है ओम बम बटुकाय नमः। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण, धन भाव के स्वामी के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि होने पर, खासकर शनि, राहु, केतु या मंगल से दृष्ट होने पर, शत्रु ग्रह की दृष्टि होने पर व्यक्ति का पैसा आकस्मिक दुर्घटनाओं में हमेशा नष्ट होता रहता है। छोटी मोटी या बड़ी कुछ न कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं कि सेव किया हुआ पैसा हाथ से निकल जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में धनेश पाप दृष्ट है तो आपको भैरव जी के मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन या प्रत्येक अमावस्या को काले उड़द और चावल की खिचड़ी बनाकर गरीब लोगों और कुत्तों में वितरित करनी चाहिए, आपका इस दोष से छुटकारा हो जाएगा। तीसरा बड़ा कारण है धन नाश होने का ग्रह का अवस्था दोष, दूसरे भाव के स्वामी के अति बाल्यावस्था में होने पर। एक राशि में टोटल होते हैं 30 डिग्री। धन भाव के स्वामी का 6 डिग्री से नीचे होने पर या 24 डिग्री के ऊपर होने पर, अति बाल्य या अति वृद्धावस्था, दोनों स्थितियों में व्यक्ति के पास कभी भी पैसा सेव नहीं हो पाता। 6 डिग्री से नीचे की स्थिति में पैसा आया राम और गया राम रहता है और 24 डिग्री से ऊपर की स्थिति में पैसा बुढ़ापे में आता है, बहुत देर से आता है और व्यक्ति के काम नहीं आता। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण कारण है जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी का शत्रु ग्रह में स्थित होना। यदि ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति का धन, उसके आसपास के लोग योजना बना करके उसको ठगते रहते हैं या कहीं ना कहीं खर्च कराते रहते हैं या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कराते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको माँ काली के मंदिर में जा करके नियमित रूप से या प्रत्येक शनिवार को साफ सफाई करनी चाहिए, श्रमदान करना चाहिए और ज़रूरतमंद को काले कंबल का दान करना चाहिए। इससे आपका धन सुरक्षित हो जाएगा। साथियों, अब ऑल ओवर बात यह है कि यह न कहने प्रकार न किसी भी कारण से यदि आप चाहकर भी अपने पैसे को बड़े स्तर पर सेव नहीं कर पाते तो आपको नियमित रूप से श्री सूक्त के पाठ करने या कराने चाहिए। अपनी जन्म कुंडली में रिसर्च करके नीलम, पन्ना या पुखराज, जो भी रत्न आपका सही बैठे उसको धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका धन स्थिर होगा। श्री सूक्त का पाठ इसके लिए बेहतर माना गया है। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी।